हमारे यहाँ वेल एजुकेटेड स्टाफ है और लैब भी वेल डेवलप है और हमारी माशाल्लाह तालीम भी बहुत अच्छी है। स्मार्ट कॉलेज बखर से डिप्लोमा कर रही हूँ और यहाँ की फैसिलिटी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे खासतौर पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। डिप्लोमा जो मतलब बखर में इतने ज़्यादा नहीं है सोर्सेज, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं फैसिलिटीज। जो बच्चे इसमें किसी भी डिप्लोमा के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो वो इस उसके हवाले से ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और इंस्टीट्यूट जो है ये बहुत ही बेस्ट है। इसमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो टीचर्स हैं वो हाई क्वालिफाइड हैं। अगर ये चीज़ें मैं वहाँ शुरू करता हूँ पैसों के मिल जाते लेकिन दुआएं शायद ना मिलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बखर। मैं इस वक्त स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बखर में मौजूद हूं। स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बखर ज़िला बखर का वाहिद इदारा है जो फार्मेसी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा, सरगोधा यूनिवर्सिटी से अलहाक शुदा और HED पंजाब से रजिस्टर शुदा है। इस इदारे की एक और खसूसियत जो दूसरे इदारों से स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बखर को नुमाया करती है वो ये है कि यहाँ पर एनुअल नहीं बल्कि सेमेस्टर सिस्टम के तहत फार्मडी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कराई जाती है। आइए आपको स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बखर का विजिट करवाते हैं। मोहम्मद अतीक साहब, अपने लैब के बारे में तफसीला से आगाह कीजिए। बेसिकली स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बखर में यहाँ हमारे पास 5 मुख्तलिफ लैब फार्मेसी के हवाले से मौजूद हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब है, फार्माकोग्नोजी की लैब है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की लैब है, फार्माकोलॉजी की लैब है और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की लैब है। ये यहाँ जिस लैब का आपको मैं रिव्यू करवा रहा हूँ बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की लैब है। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी डोमेन है जो कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। जहाँ पे मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है वहाँ पे उनके क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जो माइक्रोबायोलॉजी की टेस्टिंग होती है उसकी सारी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी लैब में यहाँ पे हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर PharmD के स्टूडेंट्स को रिसर्च एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जा रही है, ना उनको पब्लिकेशन के बारे में आगाह किया जाता है। ये पब्लिकेशन वगैरह रिसर्च एक्टिविटी ये MPhil और PhD के जो स्कॉलर्स होते हैं उनको इस चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बखर में ईयर 2024 में 4 डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट का इनकाद किया है। हमारे जो PharmD के बच्चे हैं इवन के सेकंड ईयर के ऊपर, अभी उनकी ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर है और सेकंड ईयर के ऊपर हमने उनको रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट करवाई हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बखर का वो वाहिद इदारा है जहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन PharmD की शक्ल में जो कि 5 ईयर्स प्रोग्राम है वो सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए जो है वो परफॉर्म हो रहा है। यानी ये बखर के अंदर इसके अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं है जो PharmD सेमेस्टर सिस्टम के तहत करवा रहा हो। तो ये सेमेस्टर सिस्टम ये जदीद निज़ाम तालीम है, HEC से अप्रूव्ड सिस्टम है। ये स्टूडेंट के लिए खसूसन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम के तहत 40% मार्क्स जो हैं वो इंटरनल एग्ज़ामिनर जो है वो उनके पास होते हैं, यानी इदारा के अपने पास होते हैं। तो इस हवाले से इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में क्योंकि मैं बखर से बिलोंग करता हूँ और बखर से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ मैं इस स्टेज पे पहुँचाऊँ ये बखर की आवाम की दुआओं और बाकी चीज़ें शामिल है इसमें सारी। तो अगर ये चीज़ें मैं वहाँ शुरू करता हूँ पैसों के मिल जाते लेकिन दुआएं शायद ना मिलती, क्योंकि इस धरती का मुझ पे इस इलाके का मुझ पे हक था, मैं वो रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ये स्मार्ट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज का यहाँ इजरा किया है जिसमें PharmD बेसिकली वो हैं जो यहाँ अगर आप
सेमिस्टर सिस्टम भी इसीलिए लॉन्च किया है। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी शायद जितनी फीस है वो वहाँ के रहाइश से भी बहुत कम है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ, जो बच्चियों को भेजना वहाँ पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ये एक ब्लेसिंग है। बाकी डिप्लोमे भी हैं, जैसे डिस्पेंसर क्लास है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे है, उसके बाद LHV है, ये सारे बाकी भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो फॉर्म डी है, क्योंकि इस करने के बाद आपकी फौरन यानी कि जॉब कभी मौके शामिल हैं और आगे बढ़ने के भी चांसेस हैं। देखो ना, इंसान का अपने जो टाइम है ना, हर चीज़ का अपना टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैट्रिक के बाद हो चाहे FSC के बाद हो। अगर उस आप एक एम लेके चलते हैं पढ़ाई का, तो उन दिनों में आपको ज़रूर अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए, चाहे वो जिस किस्म के आपके आगे प्रोग्राम हो, उस टाइम को ज़ाय नहीं करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने स्मार्ट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का विज़िट कर लिया है। जो बच्चे फार्म डी करना चाहते हैं उनके लिए स्मार्ट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। दाखिले ख्वाहिशमंद तलबा एक बार स्मार्ट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का विज़िट ज़रूर करें। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाजिर होते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गाज़ी को दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना बेहतर क्योंकि ये अपना है।